सो है देयर क्लैश, आप सबका स्वागत है एक और नए ऑसम क्लैश के वीडियो में। और अभी के वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो अपकमिंग हमारा जून 2021 का क्लैन गेम्स आ रहा है उसमें कौन से रिवॉर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे उस बारे में जो है आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और साथ में मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सबको बता दूँ कि यहाँ पे जिनको नहीं पता है हमारे YouTube चैनल पे जो है गोल्ड पास का गिव अवे चालू है। तो अगर आप भी गोल्ड पास गिव अवे पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वीडियो का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। सो गाइज, अभी आते हैं हम लोग अपने वीडियो के टॉपिक पे। और जो हमारा क्लैन गेम का रिवॉर्ड्स होने वाला है वो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द हमारे क्लैन गेम रिवॉर्ड्स होते हैं वो एक पैटर्न से होते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है। सो गाइज, यहाँ पे मेरे रिवॉर्ड्स में सबसे पहले टायर 1 से स्टार्ट करके टायर 6 तक जाएंगे हम लोग। तो टायर 1 में जो है हमें सबसे पहले रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे एक रिसर्च पोशन 20 जेम्स और गोल्ड 20%। तो रिसर्च पोशन जो है वो चेंज होते रहता है, यहाँ पे रिसर्च पोशन आता है कभी और रिसोर्स पोशन कभी आता है, और जो 20 जेम्स और गोल्ड 20% ये ज़्यादा कॉन्स्टेंट रहता है। सो गाइज, अभी बात करते हैं हम लोग टायर 2 की। तो टायर 2 में जो है हमें 20% एलिक्सर, एक पावर पोशन और एक ट्रेनिंग पोशन देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा कॉमन है ये रिवॉर्ड्स। और गाइज, अभी आते हैं हम लोग टायर 3 की। तो टायर 3 और टायर 4 में जो है शोवल ऑफ ऑब्स्टिकल और वॉल रिंग चेंज होते रहते हैं। तो इस बार जो हमें टायर 3 में शोवल ऑफ ऑब्स्टिकल देखने को मिलेगा, और मैं आपको कहूँगा कि शोवल ऑफ ऑब्स्टिकल को इस बार बेचना मत, क्योंकि हमारा क्लैश ऑफ क्लैन का जो 9th एनिवर्सरी आने वाला है तो उसमें अगर आप केक्स को यहाँ पे जमा करना चाहते हो तो आपको शोवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस शोवल को बेचना मत, बहुत से लोग 50 जेम के शोवल बेच देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा टायर 3 में बाइक के 2 रिवॉर्ड्स है वो है यहाँ पे 50 जेम्स और एक रिसोर्स पोशन। सो गाइज, अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे टायर 4 पे। तो टियर 4 पे हमें देखने को मिलेगा 6 वॉल रिंग, अनुमान 5 वॉल रिंग देखने को मिलता था, लेकिन क्लैश ऑफ क्लैन ने जो है रिसेंट इसको चेंज कर दिया, अभी जो है हमें 6 वॉल रिंग तक देखने को मिलते हैं। सो गाइज, हमें टायर 4 पे 6 वॉल रिंग देखने को मिलेगा, 70-80% गोल्ड देखने को मिलेगा और एक सुपर पोशन देखने को मिल सकता है। सो गाइज, यहाँ पे जब मैं कहता हूँ 70-80% गोल्ड, तो इसका मतलब होता है आपके स्टोरेजेस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपका स्टोरेज की वैल्यू है 1 लाख, मतलब 1 लाख गोल्ड या 1 लाख एलिक्सर, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 70%, मतलब 70,000 एलिक्सर या फिर 70,000 गोल्ड। तो ऐसे परसेंटेज जो है स्टोरेज से मैटर करता है। सो गाइज, अभी आते हैं हम लोग अपने 5th tier पे। तो 5th tier जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 5th और 6th tier, क्योंकि 5th और 6th tier के ऊपर ही मतलब सब लोग प्लानिंग करते हैं, मतलब उस पर क्या मिलने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करके जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और सीजन बैंक भी आता है तो उसके लिए इशू हो जाता है। तो 5th tier में जो हमें कोई बुक्स देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रून ऑफ बिल्डर गोल्ड। तो मैं आप सबको बता दूँ कि 5th tier में जो फर्स्ट रिवॉर्ड आता है ना रून ऑफ बिल्डर गोल्ड का, वो चेंज होता है रून ऑफ बिल्डर एलिक्सर और रून ऑफ बिल्डर गोल्ड में। लेकिन यहाँ पर जो हमारा गोल्ड पास है इस सीज़न का, तो इस सीज़न के गोल्ड पास में हमें रून ऑफ बिल्डर एलिक्सर दिया गया है। तो इस बार हमें जो क्लैन गेम रिवॉर्ड्स है उसमें रून ऑफ बिल्डर गोल्ड देखने को मिलेगा, और जिन लोग का बिल्डर बेस मैक्स है उन लोग इसको बेच सकते हैं, उनके लिए अच्छी बात नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे 5th tier में जो सेकेंड और थर्ड रिवॉर्ड है वो है यहाँ पे 80% तक एलिक्सर और 2 बिल्डर पोशन देखने को मिलेगा। सो गाइज, अभी बात करते हैं हम लोग लास्ट और इम्पोर्टेंट टीयर की, जो कि हमारा 6th tier। तो 6th tier में जो 100 जेम्स मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप सबको पता ही होगा हर बार हमें 100 जेम्स देखने को मिलते हैं, और एक रून और एक बुक देखने को मिलता है। तो रून जो है वो रून ऑफ गोल्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो रून ऑफ गोल्ड और रून ऑफ एलिक्सर होता है वो शफल होते रहता है 6th tier में, एक बार रून ऑफ गोल्ड देखने को मिलता है, एक बार रून ऑफ एलिक्सर। लेकिन पिछले सीजन हमें रून ऑफ डार्क एलिक्सर इसलिए देखने को मिला था क्योंकि उसको मतलब गेम के अंदर आया ज़माना हो गया था, बहुत पहले एक रून ऑफ डार्क एलिक्सर आया था। तो क्लैश ऑफ क्लैन ने पिछली बार जो हमें रून ऑफ डार्क एलिक्सर प्रोवाइड करा था, और टाउन 14 का भी अपडेट आया था इसके लिए, बट इस बार जो है हमें प्रीवियस ऑर्डर में मिलने वाला है रून ऑफ गोल्ड, और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा एक बुक ऑफ हीरोज। और बुक ऑफ हीरोज इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लास्ट ईयर रहता है ना वहाँ पे सारे के सारे बुक्स मिलते हैं बुक ऑफ एवरीथिंग को छोड़ के। तो यहाँ पे जो हमारा इस बार का टर्न है वो है बुक ऑफ हीरोज का, और इसका एक और रीज़न भी है क्योंकि हमें गोल्ड पास जो है वहाँ पे 2 बुक ऑफ हीरोज दिए जाते हैं, लेकिन इस बार जो हमें एक ही बुक ऑफ हीरोज मिला है, तो एक बुक ऑफ हीरोज आप क्लैन गेम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये थे हमारे क्लैन गेम के रिवॉर्ड्स जून सीजन के। आई होप आप सबको रिवॉर्ड अच्छे लग रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही अटैक स्ट्रेटजी बेस्ड डिजाइन अपडेट न्यूज़ और स्टफ्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप क्लैशिंग। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।